पेपर लीक की संभावना बिल्कुल नहीं है। काफी दोषी लोगों को उन्होंने पकड़ा है, ऐसी कोई संभावना नहीं होगी कि पेपर लीक हो जाए। सबसे पहले तो 3 मार्च को होने वाली 2 परीक्षाओं के बारे में जानना चाहेंगे, बोर्ड की क्या तैयारी है और युवाओं को क्या मैसेज है इन परीक्षाओं को? तो 3 मार्च को 2 परीक्षाएं हैं। 3 मार्च को सुबह की शिफ्ट में संगणक की परीक्षा है, जिसमें करीबन 2.25 लाख बच्चे अभ्यर्थी इसमें अपेयर होने चाहिए, और उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम है जो कि सेम डे को दोपहर में है, उसमें करीबन 92,000 बच्चे अपेयर होने चाहिए। और बोर्ड की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जिला प्रशासन बिल्कुल और पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है, और मुझे उम्मीद है कि कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और मैं सभी आपके माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को ये आग्रह करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि वो टाइम से पहुँचें। अभी भी मेरे पास कई बार कॉल आते हैं, कई लोगों के थ्रू कॉल आते हैं, अलग अलग लोग कि हमको 1 मिनट लेट हो गया, 2 मिनट लेट हो गया, हमको आने दिया जाए। तो आप सबसे ये उम्मीद है कि आप 1.5-2 घंटे पहले पहुँच जाएँ अपने एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर, और पहले से पता कर लें कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है, उसकी मतलब लोकेशन आप जान लें गूगल के जरिए या दूसरे जरिए, और उसके बाद आप टाइम से पहुँचें ताकि आप लेट ना हो पाएँ। और मुझे उम्मीद है कि बच्चा अच्छा कार्रवाई करेंगे और अच्छे रिजल्ट रहेंगे। CHO भर्ती परीक्षा की बात की जाए, एक बार ये भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो चुकी है, ऐसे में क्या विशेष इंतज़ाम किए गए हैं अब दूसरी बार? हाँ बिल्कुल, विशेष इंतज़ाम किए गए हैं, और अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पेपर लीक की संभावना बिल्कुल नहीं है। और इसका जो खास श्रेय जाता है वो राज्य सरकार को जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी से और हमारे SOG हमारे राजस्थान पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से एक कैंपेन चलाया है, और काफ़ी दोषी लोगों को उन्होंने पकड़ा है और काफ़ी जो संदिग्ध लोगों को पकड़ा है, और बोर्ड ने भी काफ़ी तैयारियां की हैं, अलग अलग इनोवेटिव तरीके निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी कोई संभावना नहीं होगी कि पेपर लीक हो जाए।